अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और आज हम करेंगे कैमरा रिव्यू Infinix Note 30 Pro का। बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी भाई, इसका कैमरा कैसा है कैसा नहीं, जितनी अग्रेसिव प्राइस में इसको लॉन्च किया गया है, क्या अपनी प्राइस में या अपने कैमरास को जस्टिफाई करता है। आज की इस वीडियो में डे लाइट, सनसेट टाइम और नाइट मोड में सभी चीज़ें इस फ़ोन की मैं कवर करने वाला हूँ। बाय द वे, वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस फोन को अगर किसी के फोन के साथ कंपेरिजन करना चाहते हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस फोन का। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ कुछ कैमरा यूआई ऐप की बात करते हैं। तो यहाँ पर कैमरा यूआई ऐप को ओपन करने के बाद ही आपको कुछ ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें फिल्म का भी ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर आप कुछ छोटी मोटी अगर वीडियो स्टोरी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। वीडियोज का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर ये बैक कैमरा में 2K की मैक्सिमम सपोर्ट करता है, 1080p 60fps है, 1080p 30fps है। इसी तरीके से अगर फ्रंट कैमरा की बात करते हो तो यहाँ भी आपको मैक्सिमम 2K की वीडियो की सपोर्ट मिलती है और 1080p 30fps है, कोई भी 60fps नहीं है। स्टेबल मोड दिया गया जो कि 1080p 30fps पे काम करता है। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग बैक कैमरा के और ऑप्शन की बात करते हैं, AI कैम मिलता है जिसमें 108 मेगापिक्सल की ऑप्शन है और इसको आप स्वैप अप करोगे तो आपको बहुत सारी और भी ऑप्शन मिल जाती हैं, जिसमें पोर्ट्रेट वगैरह की भी ऑप्शन है। वैसे ही आपको शॉर्टकट्स वहाँ भी मिलते हैं, मैक्रो सुपर मैक्रो मिलता है, स्काई शॉप मिलता है। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर ब्यूटी का मोड दिया गया, अगर आप मेरी तरह के चेहरे खड्डे वाले हैं तो भाई ब्यूटी मोड भी ऑन कर सकते हैं और इसमें भी 2x की ऑप्शन मिल जाती है, जिसके बाद आप ब्यूटी फोटो पर कैप्चर कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं है, स्टिल Infinix के फोन में ये मिसिंग नज़र आता है। कोई भी 2x जूम पोर्ट्रेट वगैरह में अवेलेबल नहीं है, बस पोर्ट्रेट को आप अपर्चर को एडजस्ट कर सकते हो, जितनी लाइट कम हो उतना बेटर या जितना भी ब्लर चाहिए आप उसको कर सकते हो। बाकी एक आपको सुपर नाइट मोड मिल जाता है और यहाँ पर अगर स्लो मोशंस को देखते हो तो ये स्लो मोशन रिकॉर्ड करता है, जिसके आगे चल के हम लोग बात करेंगे, जो कि आपको वीडियोज़ वाली ऑप्शन मिलती है। तो कैमरा यूआई ऐप में काफ़ी ढेरों सारे फीचर हैं, बट बात करते हैं अब रेजोल्यूशन की। अब स्टार्ट करते हैं फ्रंट कैमरा से। अब इस टाइम मैंने माइक भी इसी का चलाया हुआ है Infinix Note 30 Pro का। लेट सपोज आपने कोई टिकटॉक या यूट्यूब की वीडियो बनानी है फ्रंट कैमरा से, तो आपको इस तरह से रेजोल्यूशन मिलेगी। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल की पिक्चर प्रोवाइड करता है, बट ये पिक्सल फिलिंग के थ्रू काम करता है, कुछ 10-12 मेगापिक्सल की वीडियो रिकॉर्ड करेगा। और ये वाला क्लिप आप 1080p 30fps पे देख रहे हो, मैंने स्टेबल मोड ऑफ किया हुआ है और ट्राइपॉड पे फोन को लगा दिया है। अब यहाँ पर आप डायनामिक रेंज भी देख सकते हो, हम टोटली एक्सप्लोर करेंगे इस फोन को। और कलर भी येलो शेड की है, वैसे तो ये जो है ना ये थोड़ा सा हल्दी कलर है, बहरहाल कैमरा में देखेंगे, ओपिनियन में देखूंगा, फिलहाल तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो यहीं पर मैं स्टेबल मोड ऑन करता हूँ और क्रॉप सेंसर चेक करते हैं, फिर एक व्लॉगिंग के लिए जो फ्रंट कैमरा यूज़ होता है उसके लिए भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये वाला क्लिप, ये मैंने 1080p 30fps पे स्टेबल मोड मिलता है वो ऑन किया है, उसके बाद थोड़ा सा क्रॉप सेंसर हो जाता है। इससे पहले वाला क्लिप आप देख रहे थे तो वाइड एंगल था, बट ये वाला क्लिप जो है ये क्रॉप सेंसर हो चुका है, मतलब आप जब भी स्टेबल मोड ऑन करोगे तो आपको आधा फ्रेम मिलने वाला है। और यहाँ भी मुझे हल्की फुल्की स्क्रीन पर वो एक्सपोजर वाला जो इशू Infinix के फ़ोन में रहता है ना, वो हल्का फुल्का मिल रहा है, लाइक लाइट फ्लिकर करती है। बाय द वे, आप थोड़ा सा व्लॉगिंग वाला मोड चेक करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि बैक कैमरा कैसा काम करता है। तो ये वाला क्लिप हम लॉगिंग पर्सन्स के लिए बना रहे हैं। क्रॉप सेंसर 1080p 30fps, बस मतलब स्टेबल मोड ऑन मैंने किया हुआ है। और अगर आपने लेट सपोज इस फ़ोन से फ्रंट पर जो वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी हो, लाइक आपने व्लॉगिंग करनी है, तो पता लग जाएगा ना 6,500 रुपये में क्या चीज़ मिलती है। स्टेबलाइजेशन मोड ऑन है, हैंड हेल्ड शॉट है, हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा ग्रिप करना पड़ेगा मुझे फ़ोन को, मुझे शेकी इमेज फील हो रहा है। तो आपको ये कुछ स्टेबलाइजेशन मिलेगी, अब भाग तो नहीं सकते क्योंकि फ्रंट पे कोई भी EIS या ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन नहीं है, बस ये सॉफ्टवेयर के थ्रू थोड़ा सा करता है। बैक पे लाइट ज़्यादा आ गई है, तो यहाँ भी देखते हैं कि भाई ये कैसा फोकस करता है लाइट को यहाँ। और जो फोकस टैप टू फोकस वाला काम है वो यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को नहीं मिल रहा। अगेन यही कुछ रेजोल्यूशन है, ओपिनियन आपने मिस नहीं करना, सारी चीज़ों को देख के कंप्यूटर उसके बाद मैं अपना ओपिनियन बनाऊंगा, फिलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई इसमें 2K भी मिलता है, अब 2K की वीडियो में कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है और यहाँ कलर्स भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पसीने वसीने भी गौर मत करना भाई, 40-44 डिग्री सेल्सियस मुल्तान में रहता है अमूमन। तो 2K की वीडियो की रेजोल्यूशन कुछ इस तरह से मिलने वाली है और फ्रेम्स कुछ इस तरह से मिलने वाले हैं। कुछ रियर कैमरा की बात करें, यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे 1080p 30fps स्टेबल मोड। बच्चे को साइकिल चलाने दूंगा और मैं चल के देखूंगा साथ की कैसी स्टेबलाइजेशन है। तो बेटा आप साइकिल चलाओ, हम आपके पीछे पीछे चलते हैं। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं भाई हमारी कॉलोनी के, कहते हैं कि जी हमारी तस्वीरें लाजमी डाला करें। तो यहाँ इसकी हम साइकिलिंग थोड़ा सा तेज चलो। तो यहाँ कुछ स्टेबलाइजेशन मोड हमें इस तरह से मिलेगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये फ़ोन क्या स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। ऑल दो स्टेबलाइजेशन मोड के बाद थोड़ा सा आप ये जूम भी कर सकते हैं और जूम की डिटेल यहाँ ये 4x तक चला गया है और 5x तक चला गया। तो 1080p 30fps में स्टेबलाइजेशन मोड में ये कुछ मिलता है, डिटेल ज़्यादा जूम की नहीं मिलेगी क्योंकि डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। और माइक भी हम इसी फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। अगेंस्ट द लाइट देखेंगे तो एक्सपोजर शिफ्टिंग में पहले से बेहतर है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये वाला क्लिप हम लोग 1080p 60fps पे बना रहे हैं और कोई भी स्टेबलाइजेशन मोड नहीं मिलता। एक तो फ्रेम्स का आइडिया लेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें ना चल के भी दिखाऊंगा, घूम के भी दिखाऊंगा कि फ़ोन के अंदर अगर लेट सपोज आपने कोई
डे लाइट में कोई ऐसी बैठने के साथ साथ ही आपने शॉर्ट्स रिकॉर्ड करना है, और जूम भी मिलता है यहाँ पर, तो जूम हम जो है वो ऑलमोस्ट 2x 3x करके दिखाएंगे। जूम की भी डिटेल का आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और जूम के बाद जो माइक शिफ्टिंग है उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा मिलता है कैसा नहीं। तो भाई हमने वर्टिकल वीडियो भी कर ली, अब मतलब अब हम हॉरिजॉन्टल शेप में आ गए, फोन को हमने लैंडस्केप शेप में कर दिया। 1080p 60fps पे क्लिप है उन लोगों के लिए जिन्होंने नारायण कगान जाना है, जिन्होंने कश्मीर घूमने फिरने जाना है, तो भाई इस तरह का मॉल वहाँ मिल जाता है। बट फ्रेम और स्टेबलाइजेशन का अंदाजा हो जाएगा पहाड़ चढ़ते हुए ये फोन कितना काम करता है कितना नहीं बैक कैमरा से। तो 1080p 60fps में चलते हैं 2K की तरफ। तो भाई ये वाला क्लिप है 2K की 30fps जो कि हमें इन्फिनिक्स के नोट 30 प्रो में मिलता है। यहाँ भी जूम मिल जाता है 2x का 3x का मिल जाता है। जूम की डिटेल बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, तो जूम आपको यही कुछ मिलेगा यहाँ पर। और ये भी वीडियो हम लोग जो है ना वो पोर्ट्रेट शेप में बना रहे हैं, अभी हम लोगों ने वर्टिकल नहीं बनाई। तो अगेन यहाँ पर हम लोग उठते हैं, और ये हरे भरे जंगल में मतलब हरे भरे ग्रास में लॉन में वीडियो बनाने का मकसद कलरफुल वीडियोस के अंदर कौन सा फ़ोन कितने कलर्स को प्रोड्यूस करता है, स्किन टोन कितनी मैनेज रखता है, ये सभी चीज़ें पाकिस्तान में हम ही कोशिश करते हैं आपको डिलीवर करने की। और फिर भी आप लाइक ना करो तो मेरे लिए काम नहीं करते। चलते अपने अगले पार्ट की तरफ। इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो बुके वीडियो भी बनाता है, बट 720p पर ये आपको मिलती है, मतलब बैक साइड ब्लर हो जाता है। कुछ स्टोरी लगानी हो तो आपको इस तरह से कुछ डिटेल मिलेगी। अगेन यहाँ थोड़ा सा चल के देखते हैं कि कितना ब्लर को मेंटेन करता है। वैसे यहाँ पर आपको AI के थ्रू ही ब्लर मिलेगा, मतलब आईफोन की सिनेमेटिक वीडियोज़ हैं, एंड्रॉयड की बुके वीडियो है, फ्रंट और बैक से बनाता है, यहाँ कुछ आपको यही डिटेल मिलेगी। तो ये थी भाई आउटडोर वीडियोस। वैसे ये फोन फ्रंट बैक स्लो मोशन रिकॉर्ड करता है, लेकिन ये 720p 120 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड करता है। फ्रेम्स की डिटेल उतनी नहीं है जितनी एक्सपेक्टेशन होती है, बट इन्फिनिक्स से जो एक्सपेक्टेशन है उतनी आपको मिल जाती है। अगेन ये लो लाइट में स्लो मोशन इतना बेटर रिकॉर्ड नहीं करता, या आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में नहीं करता, तो डे लाइट में कुछ गुजारा कर लेता, बट 720p एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है स्लो मोशन को लेकर। 1080p 60fps वीडियो रिकॉर्ड करके उसको स्लो मोशन कर लो तो ज्यादा बेटर है। कुछ ओपिनियन की बात करता हूं। अब मैंने नाइट मोड में भी वीडियोज रिकॉर्ड की है। अच्छी बात इन्फिनिक्स और टेक्नो के फोन्स की मुझे ये लगती है, फ्रंट साइड पर फ्लैश लाइट मिलती है। लाइक अगर आपने डार्क लाइट कंडीशन में फ्रंट कैमरा से कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो एटलीस्ट आपका चेहरा जो है वो दिख जाता है। बट अगेन जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है वो ये है कि लो लाइट में ये फोकसिंग में काफी स्ट्रगल करता है। फ्रंट कैमरा में तो फिर भी लाइट से डिटेल मेंटेन कर लेता है। अगर रियर लाइट की बात करते हैं तो लाइट ऑन है तो ठीक है, अगर विदाउट फ्लैश लाइट रियर कैमरा से आप वीडियोज बनाते हो तो आपको फोकसिंग और डिटेल की काफी जो है ना कमी नजर आएगी इस फोन के अंदर। और 1080p 30fps पे लाइट इनटेक ठीक है, बट 60fps पे ज्यादा डार्क कर देता है लाइट्स को। तो ये हम लोगों ने एक बहुत एक्सट्रीम लाइट लोड कर लाइट कंडीशन थी, जैसा कि स्ट्रीट लाइट्स होती हैं गली में होती हैं उसमें रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पर मुझे ना नाइट मोड की परफॉर्मेंस वीडियोज़ की इतनी बेटर देखने को नहीं मिली है। तो वीडियोज़ की हद तक आई थिंक नॉट अ बेस्ट डिवाइस, बस गुजारा आप अच्छा कर सकते हो। और ऐसे 1080p 30fps डे लाइट्स को देखते हो, अगर आप 1080p 60fps को देखते हो तो सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और एक अनॉइंग बात फ्रंट कैमरा में ये थी कि ये स्किन टोन काफ़ी चेंज कर रहा, हालांकि इस कैमरा से भी मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही, भाई मेरी स्किन इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन ये जो स्किन टेक्सचर है उसको काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, जो कि मुझे अजीब लगा है। अब ब्यूटी मोड ऑन करने के बाद 720p आ जाता है, तो 720p पे आज के जमाने में कौन वीडियो रिकॉर्ड करता है, बट ये मुझे कॉम्प्रोमाइज लगा है। ऑल्दो यहां पर बाकी चीजें अगर मैं मिड रेंज सेगमेंट को देखता हूं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में 6,500 पे मिड रेंज सेगमेंट है, कुछ गुजारा ठीक है, बट नॉट दी बेस्ट कैमरा फॉर द डे लाइट गुजारा करेगा, नाइट मोड में स्ट्रगल करेगा। फोटोज को थोड़ा सा हम लोग करते हैं, हम लोगों ने नाइट मोड और डे लाइट में फोटोज भी कैप्चर की हैं। डे लाइट की फोटोज फ्रंट कैमरा में अगेन जो कलर चेंजिंग वाला सीन है ना, वो साइंस आज भी इन्फिनिक्स के अंदर अवेलेबल है। मुझे लगता है कि एप्लीकेशन को मजीद ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। ऑल्दो फ्रंट कैमरा से जो पोर्ट्रेट्स हैं वो ठीक कैप्चर कर लेता है, बट अगेन यहाँ पर कुछ ना कुछ एजेस में कभी ना कभी अगर बाल बड़े हैं या अगर आपके बैक साइड पर ऑब्जेक्ट ज़्यादा है तो डेप्थ सेपरेशन जो ऑब्जेक्ट सेपरेशन है ना वो हमें ज़्यादा बेटर देखने को नहीं मिलेगी। जो रियर कैमरा की बात करते हैं तो रियर कैमरा में कलर रिप्रोडक्शन क्लोजअप शॉट्स की अच्छी हैं, फूल वगैरह की या किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर कैप्चर करनी हो। वैसे तो इस फोन के अंदर जो HDR मोड मिलता है या तो ऑटो है या ऑफ कर सकते हो, ऑन वाला ऑप्शन नहीं है। ऑटो HDR मोड पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन में ठीक मिला है, बट नॉर्मली कंडीशन में जो HDR है वो अपनी मर्जी से ही काम करता है। मतलब फोन को लगेगा कि यहाँ पर HDR की जरूरत है तो कभी काम करेगा कभी नहीं काम करेगा। वैसे मुझे HDR मोड इसका इतना इंप्रेसिव नहीं लगा है। स्किन टोन्स की बात करते हैं, अगेन मैं कलरफुल शर्ट्स पहन के एक पिक्चर कैप्चर करता होता हूँ ज़्यादातर, ताकि कलर्स का हमें अंदाजा हो जाए। स्किन टोन यहाँ भी जैसे वीडियोज में था ना, मुझे यहाँ पर बैलेंस होती भी नहीं मिली है, तो स्किन टोन का डिफरेंस है 108 मेगापिक्सल की। ये सिर्फ हायर मेगापिक्सल ऑप्शन ऑन करोगे तो ही पिक्चर कैप्चर कर सकेगा। अच्छी बात ये है कि 108 मेगापिक्सल में डिजिटल जूम 10x तक मिल जाता है, 1x है 2x है 3x है, ये वाली पिक्चर्स आप देख रहे होंगे।
बट मैं आपको सीरियसली बताऊं, मेरे पास लाइट इंटेक यहाँ पर ठीक ठाक था और हायर मेगापिक्सल लाइट इंटेक में जब भी आपको पिक्चर कैप्चर करोगे तो डिटेल तभी अच्छी मिलेगी, बट मुझे यहाँ पर कोई डिटेल देखने को नहीं मिली। 1x को भी जूम करोगे तो डिटेल नहीं है, 2x पर खींचोगे तब भी डिटेल नहीं है, 3x में भी डिटेल देखने को नहीं मिलती 108 मेगापिक्सल में। बस नाम का मेगापिक्सल जरूर मिलता है। मुझे पर्सनली, मेरी अपनी एक ओपिनियन है, अगर इन्फिनिक्स से कोई वीडियो देख रहा है तो इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करने की बहुत ज़रूरत है, खासकर हायर मेगापिक्सल पिक्चर को। रियर पोर्ट्रेट्स में अगर मैं बात करता हूँ एज डिटेक्शन की, देखो अगर ऐसे पिक्चर खींच रहे हो तो एजेस नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल करता है। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से दूर से पिक्चर कैप्चर कर रहे हो और आपकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, सेपरेशन है जो आपके ऑब्जेक्ट की है, वो सही तरीके से डिटेक्ट नहीं करता, और ये इन्फिनिक्स के इस फोन में नहीं, मैंने आज तक जितने फोन एक्सपीरियंस किए सभी के साथ ये मुझे इशू मिलता है। तो पोर्ट्रेट्स क्लोजअप कैप्चर करने हो, अगर आपकी बैक साइड पे प्लेन वॉल है तब आप कैप्चर करोगे तो डेप्थ सेपरेशन जो एज डिटेक्शन है वो ठीक देखने को मिलेगी, अदरवाइज अगर आपकी बैक साइड पे ऑब्जेक्ट ज्यादा है तो ये स्ट्रगल करता है, एज को सही तरह डिटेक्ट नहीं करता। तो ये चीज आपने देख लेनी है कि आपको पोर्ट्रेट कैसे जो है पसंद आते हैं। वैसे ये 2x पोर्ट्रेट वगैरह कोई नहीं जूम करता यहाँ पर, तो ये चीज आपको इसमें कमी देखने को मिलेगी। और AI मोड काफी सारे एप्लीकेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बट AI मोड्स होने से AI को ऑप्टिमाइज करना मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरी है। नाइट मोड, सुपर नाइट मोड मिलता है, देखो लाइट बैलेंस अच्छी कर लेता है, लेकिन इस फोन के अंदर अभी तक जो इसका नोट 30 वेरिएंट था उसमें मुझे 1.27 GB की जो अपडेट मिली थी उसके बाद कुछ कैमरा बेहतर हो गया था, उसमें कैमरा ऑप्टिमाइजेशन में फर्क था, बट स्टिल इसमें कोई अपडेट अभी तक रिसीव नहीं हुई। नाइट मोड में फोकस का, अगेन जब लो लाइट है आई थिंक इसको बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। लाइक आपने शादी पे या किसी होटलिंग पर जाना है, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर है, आपने कोई तस्वीरें कैप्चर करनी है, तब आपको यहां पर ये चीजें का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फोकस ज्यादा बेहतर नहीं करता, और स्पेशली जब शेडोज आ रहे होते हैं चेहरे पे तब ये थोड़ा स्ट्रगल करता है, मतलब थोड़ा सोचता है कि ये इंसान भी है कि नहीं, यहाँ ये कोई ऑब्जेक्ट है, तब फोकस हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, करीब से अगर कोई क्लोजअप शॉट लोगे, मतलब हाफ अभी जैसे मैं खड़ा हूँ इससे करीब से लोगे तब ये पिक्चर अच्छी कैप्चर करेगा, अदरवाइज यहाँ पर डिटेल ज़्यादा बेटर देखने को नहीं मिलती। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोग खुद भी देख के डिसाइड कर रहे होंगे। नॉइस कैंसिलेशन माइक मुझे कमी नजर आई है इसके अंदर, एक काम प्रॉपर नहीं करता, तो ये एक कमी है। 60-70 हज़ार रुपये की रेंज में नॉइस कैंसिलेशन तो होना चाहिए। आजकल किट फोन बहुत ज़्यादा जबरदस्त आ गए हैं, पिक्सल के फोन हैं भाई, आईफोन मिल जाता है, वन प्लस के फोन मिल जाते हैं जो कि क्लियरली कैमरा में इसको कम्पीट करते हैं। बट अगर नए के ऑप्शन में देखते हो तो येस, नॉट बैड, कैमरा को 100 में से 40 नंबर तो मैं दूंगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आज हमें महंगाई को देख के, बट ऐसा भी नहीं है कि ये दी बेस्ट कैमरा है, बहुत सारी कमियां हैं खासकर ऑप्टिमाइजेशन और कलर रिप्रोडक्शन की। आप भी डिसाइड करें, वीडियो को दोबारा से देखना है, दोबारा से देख लें, टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसका कैमरा लगा कैसा, लगा कैसा नहीं, और मजीद इस फोन को कंपेयर करना चाहते हैं किसी फोन के साथ वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं जरूर कमेरिजन दे दूंगा। और ये वाला बिल्कुल अनबायस रिव्यू है जो कि आप लोगों के लिए हम लोग 3-4 दिन मेहनत करके बनाते हैं, लाइक करके मोटिवेट कर दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नए अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं लिए बात मासक से, पाकिस्तान बंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।